अस्सलाम वालेकुम वर, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज मछली को मसाला लगाऊंगी। तो ये मछली मैंने धो के अच्छी तरह से रख ली है। छन्नी में पानी निकल जाए, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला परात में मैंने, और ये मसाले हैं, अजवाइन है, पिसा हुआ गर्म मसाला है, कुटी हुई मिर्ची है, हल्दी है, और कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया है, साबुत धनिया और लेमन है। तो अब ये सारे पीस जो हैं मछली के इसमें डाल देंगे। अदरक लहसुन अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी मैं। अदरक लहसुन को अच्छी तरह से लगा कर ये सूखे मसाले सारे इसमें डाल दूंगी। और एक पैकेट मैंने लिया है मछली मसाला, फ्राई मछली मसाले का, ये भी इसमें काट के सारा डाल दूंगी मसाला। और अब इसके ऊपर लेमन का जूस डालेंगे। नमक अभी नहीं डाला क्योंकि नमक ये मसाले में भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से हिसाब से डालेंगे। अगर फीका लगा तो फिर डालेंगे चेक करके। तो ये सारा लेमन का जूस डाल देंगे। तो इसे अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे, लगा देंगे सारा पीसों के ऊपर। अभी मैं इसमें इमली भिगोई हुई है उसका पल्प डालेंगे और बेसन थोड़ा सा। ये मैंने सारा ये मसाला वगैरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें इमली का पल्प डालूंगी मैं। ये इमली का पल्प डाल दिया है, गुठलियाँ निकाल ली थी मैंने, और बेसन डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मैं बेसन के ऐड करूँगी। और ये डाल के भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा मैंने नमक अब डाल दिया था इसमें। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये मसाला लगा लिया। अब इसे बोल में निकाल दूँगी मैं। तो इसे मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और फ्राई करके आपको दिखाऊँगी मैं। तो ये लाइट चली गई थी तो अंधेरे में ये फ्राई कर रही हूँ मैं पीस, इसलिए थोड़ी सी वीडियो नहीं बना सकी। तो ये देखें फ्राई करके दिखाती हूँ। तो मछली का मसाला हमारा बहुत ही मज़े का लगा था। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखें बिल्कुल नहीं उतरा था मसाला, बहुत ही अच्छा लगा था।